मुझे ऐसा लगता है कि एडी हो सकता है मेरा बेस्ट फ्रेंड. अगर मैं लड़ा नहीं तो दो और हो सकते हैं. भाई मेरी दुश्मनी सबसे होगी एंड तक, तुम देख लेना. इसलिए मैं कह रहा हूँ दोस्ती वोस्ती नहीं है, या मैं लड़ने या मैं रिश्ते बनाने नहीं आया हूँ, मैं फाड़ने आया हूँ. यार बैक स्टेप ना दो लोग कर सकते हैं मुझे गेम में, और दोनों मेरे अपने हैं. कैमरा ऑन होते ही उसकी हसीयत आएगी बार की किस किस से है, उसके बहुत कनेक्शन है. मुझे लग रहा है सबसे अनप्रेडिक्टेबल आइडियल मैच भी वही बनेगा. Hi guys, this is your insider Hamid Barghzi and I have with me Harsh Arora. Yeah. क्या हाल है हर्ष भाई? दुआ है भाई, आपके मजा आ रहा है? Hope so. लोगों को भी आ रहा है. लोगों को भी आ रहा है. तो guys, this is a segment called prediction. मैं कुछ सवाल पूछूंगा आपसे, आपको predict करना है. Okay. And छोटा रखेंगे, crisp रखेंगे, Harsh Arora के style में रखेंगे. ठीक है? Ready for the first question? Try my best, भाई. हाँ. Who do you think will be a connection till the end of the show? मेरा. कौन टिका रहेगा end तक? मेरा connection. तो एक दिन हुआ है आपको, एक दिन ऐसा लग रहा है कि आपने यार देखो मैंने कनेक्शन हुआ ना आपका रुशाली तो उसके साथ टिक जाओगे आप एंड तक? अगर टिका तो ठीक है. प्रेडिक्शन सही नहीं? हाँ हाँ ऑफ कोर्स मैं टिकूंगा. आप टिकोगे? वो टिकेगी. हाँ. Who do you think are your three best friends in the villa right now? मुझे ऐसा लगता है कि एडी हो सकता है मेरा बेस्ट फ्रेंड. अगर मैं लड़ा नहीं तो दो और हो सकते हैं. एक हो सकता है अरबाज, ठीक है, और एक हो सकता है शिविर. शिवी क्योंकि मैं उसको शिवी बुलाता हूँ तो मुझे शायद थोड़ा ना कंफ्यूजन है नाम में, तो शिवी हो सकता है. एंड है यार वो स्वीट है. दुश्मनी किससे होगी शो के एंड तक? भाई मेरी दुश्मनी सबसे होगी एंड तक, तुम देख लेना. इसलिए मैं कह रहा हूँ दोस्ती वोस्ती नहीं है, या मैं रिश्ते बनाने नहीं आया हूँ, मैं फाड़ने आया हूँ. पहला दूसरा दिन है, अब जब मुझे कोई फाड़ेगा तो मैं और किसी को फाड़ूंगा. सो डिपेंड है, यहाँ पर हर मौसम चीज़ें चेंज होंगी और यही है यार, गेम ही यही है. और यहाँ मैं कनेक्शन बनाने आया हूँ, या ना मैं दोस्ती बनाने आया हूँ, या ना मैं कनेक्शन बनाने आया हूँ. सिर्फ कनेक्शन बनाने आया हूँ, दोस्ती वोस्ती कुछ नहीं. नहीं यार देखो, दोस्ती बन जाए है ना. अगर ऐसे दोस्त नहीं चाहिए जो छुरा बोके पीछे या कोई सांप की तरह आ जाए, ठीक है. मेरे को ऐसा लग रहा है कि भाई मैं तुम्हारी रिस्पेक्ट कर रहा हूँ, सामने से खेल लो तो सामने से खेलो, अगर पीठ पीछे खेल लो तो पीठ पीछे खेलो. हाँ. खेल लो भाई. क्या लगता है आइडियल मैच कौन होगा? अब ये मत बोलना कि मैं और उशाल. नहीं, नेक्स्ट बताओ कौन होगा आइडियल मैच. आइडियल मैच अभी तो यार कोई भी नहीं लग रहा मेरे को आइडियल मैच, टू बी वेरी ऑनेस्ट. कोई भी नहीं है, मतलब मुझे एज अ किसी से वाइब नहीं आई कोई आइडियल मैच वाली वाइब. अच्छा अभी तक वाइब नहीं है, टू बी वेरी ऑनेस्ट. ओके, क्या लगता है कौन आपको बैकस्टैप करेगा गेम में? बैकस्टैप ना दो लोग कर सकते हैं मुझे गेम में. हाँ. और दोनों मेरे अपने हैं. एक है मेरा भाई, अब बोलने जरूरी तो मुझे ऐसा लगता है कि यार एक है यहाँ पर लड़का, अपना ही है बट नाम मैं भूल गया हूँ. अरे नहीं यार उसको हम लोग इल्ली मनाती बुलाते हैं. हाँ. तो मुझे लगता है वो बहुत अनप्रिडिक्टेबल है और कभी भी पलट जाता है. नाम तो बताओ कौन है वो? युवराज. अच्छा, एक युवराज है और दूसरा है अनिकेत. दोनों अनप्रेडिक्टेबल है. किसके मल्टीपल कनेक्शन होंगे? किसके मल्टीपल कनेक्शन होंगे? एडी के होंगे. एडी का अभी तक नहीं बना, पर उसका मल्टीपल होगा. अभी बना नहीं है, वो सब पे है. अभी देख कैमरा ऑन होते ही उसकी हसीयत आएगी बाहर की किस किस से है, उसके बहुत कनेक्शन है. मुझे लग रहा है सबसे अनप्रेडिक्टेबल आइडियल मैच भी वही बनेगा. चलो एक ऐसी चीज जो आप इस शो में बिल्कुल नहीं करने वाले. मैं एक ऐसी चीज़ जो नहीं करने वाला हूँ वो बैक स्टैप. मेरे को ऐसा लग रहा है मैं पलटूंगा नहीं अपनी बातों से, जिसको जो वादा किया है कोशिश करूँगा करने का, नहीं तो ऑनेस्टी से बोल दूंगा भाई ऐसा ऐसा हुआ है, ट्राई करूँगा. देखो बहुत बड़ी गेम है, प्रेडिक्ट करना कुछ आसान नहीं है, बट ये मेरे एथिक्स वैल्यू हैं जो मैंने. तो मतलब आप बैक स्टैप नहीं करोगे? नहीं, वर्ड्स पे रहोगे बेसिकली. ठीक, क्या लगता है कौन सबसे बड़ा फ्लिपर होगा इस गेम में? इस गेम में फ्लिपर यार अभी ये पहला दिन है तो बोलना, क्योंकि टास्क नहीं हुए अभी हमारे कोई भी, और ऐसा कुछ वो नहीं हुआ कि मतलब किसी से कुछ होता ना वो वाइब्स आ जाती है, वैसे वाला कुछ आया वाइब की याद ये ना पलट जाए, शायद कल को पलट सकता है. यार देखो
नेटफ्लिक्स वाला गेम ऐसी डेस्परेशन की है ना, इफ यू आर नॉट गेटिंग द राइट कंटेंट, और ऐसा होता जाता है कि अगर आपको उस तरह फुटेज नहीं मिल रहा है तो पीपल ट्राई टू बिहेव वेरी डेस्परेट. सो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारे बच्चे हैं, आई डोंट रिमेंबर द नेम बट फेसेस से मैं जानता हूँ, आई एम सो सॉरी, थोड़ा एरोगेंट साउंड करूँगा बट नहीं जानता हूँ मैं, और कर सकते हैं. तो क्या लगता है, हु डू यू थिंक विल डेफिनेटली हैव योर बैक इन द डंपिंग ग्राउंड? माय अरबाज होगा, इतना कनेक्शन बन गया है. तो जब बेस्ट फ्रेंड ने नाम पूछा तो बोला क्यों नहीं? मैंने बेस्ट फ्रेंड में नाम बोला ना, अरबाज का बोला ना. चल ठीक है, मैंने बोला देखो क्या होता है यार इस गेम में ना, आपको तो पता ही है. मैं किसी को जज नहीं करता हूँ. एक सिचुएशन आती है जब इंसान नहीं कर पाता, तो आई डोंट वॉन्ट टू जज देम कि यार मैंने इसको बेस्ट फ्रेंड बोला, इसने मेरे को डाल दिया. फ्रेंड है ठीक है यार, इस रील के बाद भी एक दुनिया जिसको हम रियल बोलते हैं, एंड उधर इंशाल्लाह हम दोस्त बनेंगे और अच्छे अच्छे आवाज है. ठीक है, हु डू यू थिंक विल बी द वीकेस्ट कंटेस्टेंट? वीकेट मतलब लड़कों में, लड़कियों में जो आपका मन करे, पूरा विला आपका है, सब आपके दोस्त है या नहीं है? यार अभी तक के सबसे वीक कंटेस्टेंट मुझे लगा युवराज, टू बी वेरी ऑनेस्ट, क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि बहुत डेस्परेशन में उसने चीज़ें करी. उसने कुछ कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो शायद हम अपनी लाइफ के बारे में नहीं बताना चाहते बट डेस्परेशन में बता देते हैं. सो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सोच समझ के, एंड जब आप बहुत छोटी एज में एक रियलिटी शो करते हो तो यू नीड टू बी वेरी काम, एंड कि किस चीज़ पे कितना बोलना और क्या बोलना और कैसे देना है. मुझे ऐसा लगता है अभी तक उसकी गेम वीक है. Who do you think will be the entertainer of the scene? सबने मेरा नाम लिया हुआ. मेरा पहला आपके साथ है, तो आपको मुझे किसका नाम देना है, अपना लेना है, किसी और का लेना है? नहीं, मेरा ही, मैं हूँ एंटरटेनर ऑफ द सीजन. मैं इस शो के जान हूँ और इस शो की एनर्जी हूँ. ठीक है, और मैं हूँ एंटरटेनर. हु डू यू थिंक विल बी द मोस्ट यूज्ड कंटेस्टेंट इन दिस सीजन? इसको मतलब लोग यूज करके फेंक देंगे. यार मोस्ट यूज नहीं अभी तक मेरे को, आई कांट प्रेडिक्ट, आई स्वेयर. क्योंकि पता क्या हो रहा है कि अभी ना लड़के लड़कियां एक दूसरे को जान रहे हैं, अभी कल से लड़कियों से मिले हैं, सो गेम बदल रही है. प्रेडिक्शन है ना, गलत सही हो सकती है, बस ये बताना है क्या लगता है कौन किसको यूज करके फेंक देगा. मुझे अभी तक तो कोई इतना कंटेस्टेंट डम लगा नहीं कि कोई किसी को फेंक देगा, लेकिन यही अगर मैं बात करूँ तो मुझको अभी जिसकी गेम वीक लग रही है वो है युवराज, और मुझे ऐसा लग रहा है कि बिकॉज वो जल्दबाजी में आ जाता है फैसलों में, तो ही कैन बी यूज. ठीक है, सो गाइस दैट वाज हर्ष अरोरा, आई एम योर इनसाइडर हामिद बारजी. कीप वॉचिंग एमटीवी स्पेस विला. कंटिन्यू.